दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पटका गार्डनिंग में। कल रात को हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई और बारिश का मौसम पौधों के लिए अमृत काल होता है। इस समय में जितने भी पौधे हैं सब हरे हो जाते हैं, जो सूखने भी लग गए हैं वो भी हरे हो जाते हैं। सभी पौधों में नई जान आ जाती है। जो बीज टूट कर गिर जाते हैं ज़मीन पर वो भी उग जाते हैं। जहाँ देखो वहाँ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। मानसूनी मौसम में जो बारिश होती है इसमें बहुत सारे इसके पानी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जैसे इसमें पाया जाता है सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम और नाइट्रोजन और कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है इसमें, जो बहुत ही अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। इसी कारण पौधे जो है कम समय में बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ते हैं। बारिश के शुरू होते ही हमारे काम बहुत बढ़ जाते हैं। सारे पौधों की साफ़ सफाई, गार्डन की सफाई, सभी पौधों की सफाई के साथ साथ गुलाब की भी हमें बहुत अच्छे से सफाई करनी होती है, क्योंकि ये इसके लिए गर्मी का मौसम बहुत ही दुखदायी होता है। सारी पत्तियाँ इसकी सूख जाती हैं और पौधा मुरझाया सा हो जाता है, और जैसे ही बारिश शुरू होती है इसका पौधा खिल उठता है, नई नई पत्तियाँ आती हैं, ग्रोथ अच्छी होती है। इस समय इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी ये जो पुरानी लीव्स हैं इसको पहले निकाल दें, सारी लीव्स जो नीचे की ऐसी लीव्स हैं जो, इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। पूरी नहीं निकालना है, कुछ निकालना है इसमें से, जो पुरानी जो सूख रही हैं उनको सबको निकाल देना है। ऐसा इस तरह से पूरा पौधा हमको साफ कर लेना, जो नई वाली निकल रही हैं पत्तियाँ उनको रहने देना है, साफ़ सुथरा दिखेगा। और जितनी नीचे इसमें जो पत्तियाँ जो लगी हैं उनको भी निकालना है। ऐसा जो पत्तियाँ हैं इसमें नीचे जो लगी हैं उनको भी निकालना है। मिट्टी से टच नहीं होना चाहिए, और जो फूल सूखे हुए हैं उन्हें भी निकालना है। ये देखिए जैसे इसमें ये नई ब्रांच आ रही है, ये सभी अभी नई नई ब्रांच आ जाएंगी इसमें, ये सारी पत्तियों को सब साफ कर देना। पुरानी जितनी भी सूखी सूखी पत्तियाँ दिख रही हैं इनको सबको निकाल देना। ये गमले में जो पत्तियाँ ऐसी जो इसमें हैं इसको निकाल देना है। और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा देख लेना है आपको, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। अब पानी बिल्कुल भी ना रुके, पानी इसमें भरने नहीं चाहिए। गमले का ड्रेनेज होल देख लें, अगर पानी अगर रुक रहा है तो ड्रेनेज होल को अच्छे से साफ़ कर लें नीचे से अच्छे उसको, और पानी का सिस्टम जो है ड्रेनेज का सही कर लें। इस रेनी सीजन में आपको कोई भी खाद नहीं देनी है, क्योंकि इसके पानी में भी इतनी खाद होती है कि वो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व तो होते हैं जो बहुत ही लाभदायक होते हैं। आपको सिर्फ फंगीसाइड देना है 15 दिन में या 1 महीने में, जब भी मौसम सूखा रहे, 1-2 दिन बारिश ना हो तो उसमें फंगीसाइड का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि इसमें काई जम जाएगी। यहाँ पर ये इसमें काई जम जाएगी मिट्टी में, जो पौधे को नुकसान पहुँचाएगी। देख लें मौसम ज़रा साफ रहे उस समय आप इनको गुड़ाई कर दिया करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, जय हिंद।